My dear students, in this video, I'm going to explain you multiple choice questions of seed germination in a detail, right? So have a look, abhi screen par rehna, aur aapko sab samajh mein aa jayegi ki ye jo abhi aapne seed germination padhi hai, iske upar how examiner is going to put some multiple choice question. So let's flip the screen. Humne last classes ke andar discuss kiya ki seed germination kaise hoti hai. Aaj hum internal structure of leaf और सीड जर्मिनेशन के हवाले से जितने एमसीक्यूज हैं कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा को सॉल्व करें. क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. अच्छा, इसका मतलब ये कि बाज सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है और या इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है. कहता है विच स्ट्रक्चर वुड शो द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ ड्राई मैस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जर्मिनेशन. इसमें फर्स्ट वीक ऑफ जर्मिनेशन में कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अपना क्या कहते हैं लॉस जो है वो शो करेगा. यहाँ पर आप देखिए बेटे, ये जो सी वाला पार्ट है, जो पार्ट माइक्रोपाइल के पास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेडिकल है. रेडिकल का इतना ज्यादा वॉल्यूम, रेडिकल का इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है. जो पार्ट इससे दूर होता है, जो लीफ में कन्वर्ट होगा, ये प्लोम्यूल है. प्लोम्यूल का भी इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है. तीसरे नंबर पर यह डी है, दिस डी इज टेस्टा, और ये टेस्ट आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग है. ए कॉटिलेडन्स लग रहे हैं, ये क्या लग रहे हैं, कॉटिलेडन्स, और इसके कॉटिलेडन्स काफी ज्यादा मास जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इसके लिए जो इसकी फूड है बेटे वो भी इन कॉटिलेडन्स के अंदर ही होगी, और जाहिर है ये फूड यूटिलाइज होगी, इसको प्लोम्यूल और रेडिकल के सेल्स यूटिलाइज करेंगे और ये जो सीड है ये जर्मिनेट कर जाएगा. लिहाजा इसलिए इसका आंसर होगा ए, जो कि हैं कॉटिलेडन्स. अगर यहाँ पर उसने ऐसे ना दिखाया होता और कॉटिलेडन्स अलग और एंडोस्पर्म अलग दिखाया होता तो फिर हम इसके आंसर में एंडोस्पर्म को लेके आते. जरा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके देखते हैं कि वो इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस करे तो हमारे पास आंसर क्या हो सकता है. अगर वो हमें ये पूछ लेता कि इनमें से कौन सा पार्ट कल को शूट में कन्वर्ट होगा, किसमें से लीव्स निकलेंगे, तो हम जरूर प्लोम्यूल कहते. कहता कि कौन सा पार्ट सबसे पहले सीड से बाहर निकलेगा तो हम रेडिकल यानी रूट को कहते. कहता कि कौन सा पार्ट इसको जमीन में एंकर करने में हेल्प करेगा तो हम रेडिकल यानी कि सी को लगाते. और अगर मैं पूछता कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो फौरी तौर पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जो फौरी तौर पर टूट फूट जाएगा, तो बेटे हम जरूर टेस्टा को कहते. इसके अंदर कुछ लेबल्स मिसिंग है. हम बेटे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और गैदर द डाटा ऑफ एज मैनी एज एमसीक्यूज एज वी कैन. तो ये बाहर वाले को तो हमने लेबल करवा दिया टेस्टा. बेटे बताएं अंदर वाला ये क्या कहलाएगा, टैगमैन. क्या कहलाएगा, टैगमैन, ये मैंने लेक्चर में बताया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी हम पहले सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कहते हैं एज अ सीड बिगिन्स टू जर्मिनेट It uses enzymes to speed up the rate of what? Digestion, osmosis, photosynthesis, या transpiration? अब यहां बेटे transpiration की तो बात ही नहीं हो रही. Photosynthesis तो seed germination में नहीं, और seed germination के बाद photosynthesis शुरू होती है जब seed में से leaves निकल आते हैं, तो ये भी नहीं. Osmosis की भी बात नहीं हो रही. अब digestion यहां थोड़ा weird लगता है. हम ये सोचेंगे digestion तो humans में, animals में होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो डाइजेशन होती क्या है, डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का ब्रेकडाउन. यस, ब्रेकडाउन इनटू सिंपल मटेरियल्स. तो इसका मतलब वहां हो क्या रहा होता है बेटे, हमने आपको बताया था कि वहां पर स्टार्च कन्वर्ट हो रहा होता है माल्टोज में, वहां पर प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रही होती हैं अमाइनो एसिड्स में, वहां पर और क्या हो रहा होता है, फैट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. मैं ये बातें बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ड्रिल हो जाए, आपके जहन में आ जाए. और बेटे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में बात करें तो इन सब की कन्वर्जन इनटू दिस डाइजेशन ही कहलाती है. अगर यहां बेटे वो डाइजेशन की जगह कुछ और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी लिख सकता था, वो यहां डाइजेशन के बजाय बेटे हाइड्रोलिसिस भी लिख सकता था. क्या लिख सकता था, हाइड्रोलिसिस, तो वो भी ठीक होता क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी ब्रेकडाउन होता है. हाइड्रोलिसिस भी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है. बेटे वो यहां हाइड्रोलिसिस और डाइजेशन की बजाय कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी लिख सकता था. यहां वो हाइड्रोलिसिस और डाइजेशन की बजाय कैटाबॉलिक प्रोसेसेस भी लिख सकता था. कैटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब भी ब्रेकडाउन होता है.
तो हम इसको क्या कहते हैं, तो कैटाबॉलिक का वर्ड भी यहाँ ठीक होता, हाइड्रोलिसिस का वर्ड भी ठीक होता, और डाइजेशन का वर्ड भी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं सीड जर्मिनेशन का। कहते हैं द डायग्राम शोज द चेंजेस इन ड्राई मास ऑफ अ होल जर्मिनेटिंग सीड, द कॉटिलेडन्स ऑफ द सेम सीड एंड प्लोम्यूल एंड रेडिकल ऑफ द सीड। ये एक सीड जर्मिनेट किया, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको याद होगा, क्या नाम है बेटे आपका, शिजा, हमने ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था कि ग्राफ के पहले पहले क्या होता है, मास कम हो रहा होता है, बाद में बायोमास बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो ओवरऑल ड्राई मास की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि बताओ कि ओवरऑल क्या पूरी की पूरी ये प्रोसेस चलेगा। कहता है व्हाट डू द थ्री कर्व्स एक्स वाई एंड जी रिप्रेजेंट। एक्स जी वो चीज है जो बहुत जल्दी तेजी से कम हो रही है, एक्स वो है जो कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और वाई वो चीज है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, राइट। अच्छा जी, ड्राई मास ऑफ द होल सीड, ड्राई मास ऑफ द कॉटिलेडन एंड ड्राई मास ऑफ प्लोम्यूल एंड रेडिकल। प्लोम्यूल एंड रेडिकल क्या थे, प्लोम्यूल ने बनना है लीव्स और रेडिकल ने क्या बनना है बेटे, रूट्स, और यहां पर ये लगा हुआ है आपका वो सीड का कॉटिलेडन पार्ट। तो क्या रूट्स ग्रो करेंगी, करेंगी ना जी, इसका मतलब रूट का बायोमास बढ़ेगा। जो पत्ते हैं वो भी ग्रो करेंगे, क्या उनका बायोमास बढ़ेगा, इसका मतलब जो बायोमास बढ़ रहा है वाई वो किसका हो सकता है, वो ड्राई मास ऑफ प्लोम्यूल एंड रेडिकल है, वो ड्राई मास ऑफ प्लोम्यूल एंड रेडिकल है। इसीलिए हम इन दो ऑप्शंस को देखेंगे, ये दो ऑप्शंस बी और डी ये तो वैसे ही कट गई, अब हम देखते हैं बाकी। वो कहते हैं ड्राई मास ऑफ कॉटिलेडन एंड ड्राई मास ऑफ होल सीड्स। बेटे बताएं ज्यादा तेजी से पूरे सीड का ड्राई मास गिरेगा या ज्यादा तेजी से पार्ट ऑफ द सीड कॉटिलेडन का ड्राई मास गिरेगा। पार्ट ऑफ सीड कॉटिलेडन जल्दी अपना ड्राई मास कम करेगा, ओवरऑल सीड उसके उससे लेट करेगा, क्योंकि सीड एक बड़ी चीज है और कॉटिलेडन उसके अंदर एक छोटी चीज है जो कंज्यूम हो रहा है। कॉटिलेडन्स में प्यारे बच्चों एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये जो कॉटिलेडन्स हैं इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स फटाफट कंज्यूम होते हैं वहां से और एंडोस्पर्म को कन्वर्ट करने लगते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊं कि मैंने ऐसे करके एक सीड बनाया था, उसमें एक जगह मैंने माइक्रोपाइल की जगह छोड़ी थी और सेंटर में मैंने यूं करके प्लोम्यूल, यूं करके रेडिकल और यूं करके इसमें बटरफ्लाई शेप के कॉटिलेडन्स बना दिए थे। एंड आई टोल्ड यू कि इसके अलावा यहां जो जितना भी ये साइड वाइड है ये सबका सब क्या है बेटे, एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म, ये कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको ने कन्वर्ट होना है। और मैंने बेटे आपको ये भी बताया कि कॉटिलेडन्स के एंजाइम इस एंडोस्पर्म को कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल थिंग्स जो कि जाकर मिलने लग जाएगा रेडिकल और प्लोम्यूल को। अब सबसे पहले क्या मोबिलाइज हुआ है, सबसे पहले मोबिलाइज हुए कॉटिलेडन्स और उसके बाद आहिस्ता 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 ये जो एंडोस्पर्म है ये यूटिलाइज होना शुरू हुआ। इसीलिए ज्यादा स्पीड से क्या डिक्लाइन हो रहे हैं, कॉटिलेडन्स, और थोड़ा लेस स्पीड से कौन डिक्लाइन हो रहा है, ओवरऑल ड्राई मास ऑफ द सीड, ओवरऑल ड्राई मास ऑफ द सीड आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद। सो ड्राई मास ऑफ कॉटिलेडन होगा बेटे हमारे पास जी ये वाला, और होल ड्राई मास ऑफ द होल सीड होगा हमारे पास एक्स के। अल्टीमेटली उसने पूरे का पूरा सीड का ड्राई मास कम हो गया और पौधे का ड्राई मास बढ़ना शुरू हो गया। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जो ओवरऑल ग्राफ दिखाया था वो ग्राफ कुछ यूं दिखाया था कि ये सीड का वेट है, ये सीड का ड्राई मास है, पहले ये कम होगा उसके बाद सीड इसका बढ़ने लगेगा। तो मैंने आपसे बताया था कि ये वो पार्ट है जहां रेस्पिरेशन हो रही है और ये वो पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। यहां तक सीड अपना आप लूज कर चुका है और यहां से वो जो लीव्स और पौधे का जो प्लोम्यूल रेडिकल का ड्राई मास है ये ऑन राइज आना शुरू हो गया। तो इसीलिए बेटे इसका आंसर होगा ए। एक और क्वेश्चन सीड्स के हवाले से, कहता है द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ फ्रूट कंटेनिंग अ सीड। ये एक फ्रूट है, इस फ्रूट के अंदर सीड है। अभी हमने वैसे फ्रूट पढ़े नहीं है, ठीक है, अभी खाली सीड जर्मिनेशन पढ़ा है, लेकिन लेट्स सी। वो कहता है जी बताओ व्हाट आर द लेबल पार्ट्स। बताएं बेटा ये आपका वो माइक्रोपाइल वाला रीजन है और वो पूछ रहा बताओ क्या चीज है, ये है सीड कोड। बेटे ये क्या होगा, हम नीचे ऑप्शंस देखे बगैर ही जरा इसको पहले लेबल कर लेते हैं। बताओ सीड कोड क्या होगा, बोलो सीड कोड का नाम क्या था, नलैको टेस्टा, तैयार था टेस्टा, एक्टिव होके बैठे। ये टू क्या होगा, टू क्या होगा, इतना बड़ा सारा क्या होता है इसमें, कॉटिलेडन।
ठीक है जी, टू कॉटिलेडन हो गया, वन क्या होगा, माइक्रोपाइल के पास वाली चीज क्या होती है, रेडिकल, और ये वाला पार्ट अगर लेबल किया होता जीरो, ये क्या होता बेटे, प्लोम्यूल, ठीक हो गया। अब ये बाहर फ्रूट वॉल है, ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन अभी दे देता हूं, दिस इज फ्रूट वॉल एंड दिस फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। जो फल का छिलका होता है ना उसको पेरिकार्प कहते हैं। अभी हमने फ्रूट्स पढ़ने, ये कंडीशंस का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, अभी मैंने ये क्वेश्चन बड़े अरसे से देखे नहीं, ये कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन का मुझे क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा चलो, क्वेश्चन करने से पहले जरा याद करते हैं क्या क्या कंडीशन चाहिए थी सीड को जर्मिनेशन के लिए। पानी चाहिए था, बोलते जाए, और क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट पीएच चाहिए, बोले, और क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और क्या चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये मेन चीजें हैं जो चाहिए, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट शोन, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट शोन ईच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स मस्टर्ड सीड्स ऑन कॉटन वूल, कॉटन वूल पे मस्टर्ड सीड्स हैं, ओके, विच टू टेस्ट ट्यूब शुड बी कंपेयर टू डिस्कवर वेदर लाइट इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन और नॉट। अब देखते हैं किया क्या है इन्होंने, इनको मिल रही है लाइट, पहली ट्यूब को देखते हैं क्या मिल रहा है, पहली ट्यूब को मिल रहा है अंधेरा और नीचे ये कॉटन वूल। अच्छा अब एक मसला है यहां, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ गई कि हमें नहीं पता कि डैम्प और ड्राई का क्या, यहां पर उसने किसको डैम्प और किसको ड्राई किया, स्कैनिंग में आया नहीं, चलो हम शेड कर दें। खुद शेड कर लेते हैं, एक इसने बाहर डैम्प रखा होगा और एक इसने, अब ये दोनों एक जैसे, तो इसमें से एक को इसने रखा होगा डैम्प, ये ड्राई रखी होगी, लिक्विड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, तो इसको इसने डैम्प भी रखा होगा। अभी हम ज्यूम कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, अब देखते हैं इसके मुताबिक, अब नीचे वाली ऑप्शंस पे नहीं हम जाएंगे, अगर हम इनको डिस्कस करेंगे, वन में अगर लाइट, अच्छा लाइट चाहिए होती है, उसने ऊपर क्या कहा, लाइट इज नीडेड या नहीं, अच्छा ठीक है, वैसे लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, नहीं चाहिए होती, लाइट राइट आफ्टर जर्मिनेशन चाहिए होती है, राइट, हाँ जी, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। अच्छा जी, यहां पर पानी नहीं है तो यहां पर पौधे उगेंगे वन में, नहीं उगेंगे। अच्छा यहां पर इसने क्या किया, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया है, ये थर्ड फैक्टर को स्टडी कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं हो तो नहीं उगेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं उगेंगे, इसको काट दिया। अब टू में लाइट नहीं है लेकिन नीचे पानी है और ऊपर ऑक्सीजन भी है, क्या टू में उगेंगे सीड्स, उगेंगे उगेंगे, राइट। अब इधर देखते हैं, यहां पर उसने लाइट दी हुई है साथ डैम्प किया हुआ है, फोर को उगेंगे, लाइट भी दिया डैम्प भी किया हुआ है, यहां लाइट आ रही है लेकिन ये डैम्प नहीं है, उगेंगे नहीं उगेंगे, राइट। ये इंफॉर्मेशन जान लेना काफी है, क्योंकि अभी हमने इसको खुद वो किया है, लेबल किया था, अब हम नीचे ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। अब अगर वो कहता है कि विच टू टेस्ट ट्यूब्स शुड बी कंपेयर टू डिस्कवर वेदर लाइट इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ दीज सीड्स, टू एंड फोर, क्योंकि इनकी दोनों की बाकी कंडीशन सेम है, एक में लाइट है एक में लाइट नहीं, ये हमने सिर्फ एक ही फैक्टर टेस्ट करना है। यस, व्हेन वी आर जस्ट चेकिंग जस्ट वन फैक्टर। अच्छा अगर बेटे इस क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करता और वो कहता कि बताओ जी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते, एक ले लेते जिसमें से ऑक्सीजन निकाल दी है और दूसरी को ले लेते जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तब हम किसको किसको कंपेयर करते, टू और मे बी टू और थ्री को लाइट में रख लेते, टू और थ्री को लाइट में रख लेते, राइट। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ चीजें, अगर वो देखता बताओ पानी जरूरी है कि नहीं जरूरी, एक ट्यूब में पानी डालते एक में ना डालते, बाकी कंडीशन सेम रखते, ऑक्सीजन भी है लाइट भी है, नहीं उगते, समझ आ रही है। सिक्स बीन सीड्स वर सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, थ्री ऑफ देम वर देन बॉइल्ड एंड कूल्ड। अच्छा जी, देन द बॉइल्ड एंड नॉन बॉइल्ड सीड्स वर सेपरेटली चॉप्ड अप एंड प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द एगर जेली। इस क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ इंक्वायरी है ना, अच्छा पहली बात, आपने ऐसे क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं, टेंशन ही लेनी, हमेशा इसमें बड़ा आसान सवाल पूछ रहा होता है, सिचुएशन जरा, तो इसको बड़े तसल्ली से, जैसे अभी मैं आपके सामने करूंगा लाइक अ स्टूडेंट, आपने भी ऐसे क्वेश्चन बड़े तसल्ली से अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में जो उसका पॉइंट ऑफ इंक्वायरी है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंक्वायरी है कि अगर बॉयल कर देंगे तो इसके सीड के
कॉटिलेडन्स के एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डीनेचर। ये है उसका पॉइंट ऑफ इंक्वायरी कि बच्चों को ये पता है कि नहीं पता। अब स्टेटमेंट देखते हैं, डीनेचर एंजाइम्स काम करना छोड़ दें क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम की शेप बिगड़ जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर उसकी शेप बिगड़ जाती है, एक्टिव साइट की शेप खराब हो जाती है, सब्सट्रेट उसमें फिट नहीं हो सकता। कहते हैं सिक्स बीन सीड्स वर सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, थ्री ऑफ देम वर प्लेस्ड बट देन बॉइल्ड एंड कूल्ड, द बॉइल्ड एंड नॉन बॉइल्ड सीड्स वर सेपरेटली चॉप्ड अप एंड प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एन एगर जेली कंटेनिंग स्टार्च। सीड्स में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज, नीचे उन्होंने क्या डाल दिया, स्टार्च, ठीक है जी। जब अमाइलेज, जब एक्टिव अमाइलेज स्टार्च के कांटेक्ट में आएगा बेटे, तो वो क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू व्हाट, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा यस इनटू माल्टोस शुगर। और जब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर स्टार्च हो तो आयोडीन सॉल्यूशन का क्या कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक, क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक। और अगर ना हो तो इसका कलर क्या रहता है, गोल्डन। स्टार्च टेस्ट याद है ना आपको, स्टार्च टेस्ट कैसे करते थे शीजा, मैं बताता हूं आपको। स्टार्च टेस्ट के लिए कहते हैं जी, टेक अ पोटैटो, कट इट, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, इफ इट चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जाहिर है पोटैटो में तो स्टार्च हो नहीं, लेकिन अगर इसमें स्टार्च ना हो तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। आयोडीन का ओरिजिनल कलर ऑरेंज या गोल्डन ब्राउन होता है। अगर कलर चेंज ना हो तो उसका मतलब स्टार्च नहीं है, कलर चेंज हो जाए तो उसका मतलब स्टार्च उसमें है। ये आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, गोल्डन, गोल्डन नॉट ब्लू ब्लैक के अलावा कुछ भी लिखते, गोल्डन ब्राउन ऑरेंज की रेंज। क्योंकि जैसे हमारे घरों में पायोडीन होती है, पायोडीन होती है ना, पायोडीन इज आयोडीन सॉल्यूशन, उसका जो कलर होता है वही आयोडीन सॉल्यूशन का कलर होता है। लैब में थोड़ा डाइल्यूट होता है तो थोड़ा गोल्डन गोल्डन टाइप हो सकता है, ठीक है। आप अपने घरों में आ जाए, एक आलू जाया करें, थोड़ा सा पायोडीन का एक ड्रॉप डालें, ब्लू ब्लैक हो जाए। कॉटन के कपड़ों पर अगर आपकी पायोडीन गिर जाए, प्योर कॉटन के कपड़ों पर, वहां से वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, उसका दाग नहीं जाएगा। इट्स ऑल केमिस्ट्री। मैंने आपको उसकी पूरी बैकग्राउंड समझाई, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहां डाले उसने बॉइल्ड सीड्स और यहां डाले नॉन बॉइल्ड सीड्स। जहां बेटे उसने डाले नॉन बॉइल्ड सीड्स, वहां पर क्या हुआ कि ये पूरे का पूरा एक जोन बन गया। जब उसने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, मैं आपको कलर करके दिखा देता हूं, हुआ क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो गया होगा। जब उसने यहां पर आयोडीन सॉल्यूशन डाली होगी तो ये जो प्लेट है पूरी की पूरी एगर जेली वाली, ये कुछ ऐसी ऐसी नजर आई होगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या हुआ है? यहां पे ये क्यों ब्लू ब्लैक हो गई, बिकॉज यहां पर उसने एगर जेली के अंदर स्टार्च डाला हुआ था, स्टार्च वॉज देयर। यहां पर भी इसने ये सीड्स को कुट के डाला था यहां पर, लेकिन सीड्स के एंजाइम्स क्योंकि डीनेचर हो गए थे, वहां पे स्टार्च को तोड़ नहीं सके, वहां पे स्टार्च को तोड़ नहीं सके। लेकिन ये चूंकि नॉन बॉइल्ड सीड्स थे, यहां पर इन सीड्स के कॉटिलेडन्स के अंदर एक्टिव अमाइलेज था। क्या था? एक्टिव अमाइलेज, जिसने स्टार्च को ब्रेक कर दिया। अब जब इसने स्टार्च को ब्रेक कर दिया, तो जैसे आयोडीन सॉल्यूशन का कलर होता है येलो टाइप का, ये ऐसे येलो नजर आए होंगे। इसका मतलब कि इस पार्ट के अंदर जो स्टार्च था बेटे, वो कन्वर्ट हो गया होगा इंटू वॉट, इंटू माल्टोज। यहां पर भी देखें, ये वो बता रहा है पोजीशन ऑफ चॉप सीड एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, और ये ब्लू ब्लैक कलर उसने दिखा दिया कि यहां पे ब्लू ब्लैक है, और ये येलो ब्राउन कलर मैंने आपको एक कलर करके दिखा दिए, राइट। अब देखते हैं सवाल क्या है, हमने काफी डिस्कशन की। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट्स विद द नॉन बॉइल्ड बीन सीड्स? ये नॉन बॉइल्ड बीन सीड्स के रिजल्ट्स ऐसे क्यों आए हैं? दे कंटेन अमाइलेज, और मैं ये कहूंगा इसको यहां लिखना चाहिए था दे कंटेन एक्टिव अमाइलेज। क्या लिखना चाहिए था?
हाँ माइलेज तो, हाँ शाबाश, माइलेज तो उसमें भी था लेकिन वो डैमेज हो चुका था, तो इस हवाले से इसका आंसर क्या है, डी। तो ये बड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा मुझे ये क्वेश्चन, इसने हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाए। और अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो यू विल बी एबल टू उसको क्रैक कर सकोगे कि वो पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है डायग्राम शोज सम पीज दैट हैव लेफ्ट टू जर्मिनेट। अच्छा जी, पीज ऑन वेट कॉटन वूल, ओके, और यहां पर क्या किया, पीस कवर्ड विद वाटर। अब जब इसको वाटर में कवर कर दिया ना, तो इसको पानी तो मिल गया लेकिन इसको ऊपर से लिड लगाई हुई है, चेक करें जरा, इसका मतलब इसको इनफ डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लिड इस पे भी है लेकिन यहां पर आपको वॉइड नजर आ रहा है, इनफ है ऑक्सीजन को इसके अंदर लेके जाने के लिए। कहता है पी इन द एक्स जर्मिनेटेड, यहां पर ये उग गए और वाई जर्मिनेट नहीं किए, क्यों? द वॉटर इन वाई डज नॉट कंटेन इनफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जर्मिनेशन के लिए चाहिए? नहीं। द वॉटर इन वाई डज नॉट कंटेन इनफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, आई टोल्ड यू, यस। द वॉटर इन वाई डज नॉट कंटेन इनफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। द वॉटर डज नॉट लेट लाइट, ये तो बच्चों वाले बातें। फिर क्या आंसर होगा? बी।